हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है रेग्नो हमारे में। गाइस, इस वीडियो में गाइस हम मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ यहाँ पे क्यू एन ए वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हर संडे आपको क्यों ना मिलेगा, मतलब मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग क्यों ना स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे। ये मेरा ट्राईपॉड है, दो ट्राईपॉड है, तो एक यहाँ पे मैंने थोड़ा रख लिया सेटअप थोड़ा अच्छा लगने के लिए, तो इसलिए मैं इसे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ सेटअप में। बहुत जल्दी वहाँ भी भर जाएगा और अभी उसके बारे में भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को पहले आंसर देते हैं, फिर इस सब के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हो सके तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करता हूँ। तो गाइस, इस बार का यही रहेगा कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि यहाँ पे जो तीस जगह बची है उसमें हम क्या करें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं अपना लोगो डाल सकता हूँ एंड और कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। वहाँ पे तो लैपटॉप रख ही दिया है, यहाँ पे ट्राईपॉड भी थोड़ा सा रख दिए शो के लिए। तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, और ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा रिलेटेड ही हो गया यहाँ पे। तो इन्हें लिखा, भाई ट्राईपॉड कितने में लिया था मैंने कल 450 का लिया। देखो यार गाइज, मैंने लिया था ये ट्राईपॉड मुंबई में एंड मेरे को पड़ा था 700 रुपये में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता, बहुत सस्ता पड़ गया, मेरे को थोड़ा लूट लिया उसमें। बट यार ट्राईपॉड की सच्ची में क्वालिटी इतनी खास नहीं है एंड ये देखिए ख़राब हो चुका है ट्राईपॉड, अब मुझे नया लेना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ सिंपेक्स का 888 लिया जाए, वो थोड़ा अच्छा है, मगर अभी मुझे दिल्ली जाना नहीं है, तो जब भी जाऊँगा तो वहाँ से ले लूँगा। वरना ये ट्राईपॉड अभी जो मेरा पुराना वाला है वो थोड़ा काम पे है, तो काम चल रहा है मेरा, वरना मैं थोड़ा सोच रहा हूँ नया लेने के लिए। मगर 450 रुपये में एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मगर 700 रुपये में मैं लुट गया, ये बात सही है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो संजीव कुमार भाई की तरफ से ने लिखा, हैशटैग आसमान करके, भाई वन प्लस सिक्स कब ले रहे हो। भाई वन प्लस सिक्स जो है वो मैं बहुत जल्दी ले सकता हूँ। वन प्लस एक बहुत ही अच्छा मोबाइल है एंड आपको जैसे मैंने बताया था कि लेने वाला हूँ। तो एक वन प्लस 60 आने वाला है, जैसे आप लोग बताए 17 अक्टूबर को, तो 17 अक्टूबर के पहले ही ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको अमेजोन की सेल देखने मिलने वाली है, तो वहाँ पे मैं शायद से ले लूँ एंड ले लूँगा तो आपको तो गुड न्यूज़ मिली जाएगी एंड क्वालिटी और इम्प्रूव हो ही जाएगी, है ना। तो ये बात है भाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मनु सिंह भाई की तरफ से, मनु इस भाई की तरफ सॉरी, हैशटैग आसमान करके लिखते हैं, सेटअप प्योर कर दो। भाई देखो, सेटअप प्योर आपको जैसे पता है, दो तीन महीने पहले ही मैंने सेटअप टूर किया था, तो अब मैंने बस वॉलपेपर बदला है, तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। तो मैं वापस सेटअप टूर कर दूंगा तो कोई मतलब कंटेंट नहीं रहेगा। तो अभी मैं आगे कुछ और काम करूंगा सेटअप में, फिर उसके बाद 3-4-5 महीने के बाद में अच्छा सेटअप जो बन जाएगा तो उसके बाद सेटअप टूर करेंगे। इतनी जल्दी क्या करेंगे यार, 5,000 सब्सक्राइबर तो होंगे तो फिर उसके बाद सेटअप टूर करते हैं, वरना अभी तक आपने पुराना सेटअप टूर नहीं देखा है देख लो, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं की है जब से बस वॉलपेपर ही बदला है। तो ये बात है। मैंने लिखा है, भाई हैशटैग आसमान करके, भाई मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दो, स्मार्टफोन में ये 16.9 रेशियो क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखो गाइस, जो 16.9 रेशियो होता है वो होता है ये वाला डिस्प्ले जो हमें यहाँ पे आप लोग को बेजल देते हैं, तो वहाँ पे जिसे बोलते हैं हम 16.95 रेशियो, जो आजकल 18.9 रेशियो आ गया है, तो वहाँ पे अभी 16.5 मुझे तो इतना ही लगता है यार। अब होगा तो आप देख लेना गूगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुल और सब्सक्राइबर की तरफ से, ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो उन्हें लिखा है, भाई वॉलपेपर इज इट अ फुल व्यू वाई हैशटैग आसमान होगा। तो उन्हें लिखा है कि वॉलपेपर पूरा क्यों नहीं है। तो गाइस, वॉलपेपर जो है इसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, आज ही आएगा कि कल मैं डाल दूँ, आज ही आज मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ। गाइस, मैं बात करता हूँ वॉलपेपर की, तो वॉलपेपर मुझे इतना ही मिला 600 रुपये में एंड मैं चाह रहा था इसको और बाय कर लूँ, बट मैं रुका हूँ अभी, मैं कुछ और वहाँ पे करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा रुका हूँ। और इसलिए मैं आप लोग सबसे सजेशन ले रहा हूँ कि मैं क्या करूँ वहाँ पे, तो आप लोग कुछ बताओ यार, कमेंट करो, तो मैं जल्दी से वो भी आपकी सलाह माने एंड देन किया जाए, ठीक है। तो वॉलपेपर मुझे बहुत खास लगा यार, 350 रुपये मतलब 600 रुपये प्राइस तो आने वाला है, सब पता चल जाएगा। और यहाँ पे इन्हें लिखा है विपुल और सब्सक्राइबर ने, एक और क्वेश्चन इन्हें लिखा है हैशटैग आसमान करके, व्हाट इज़ योर एड्रेस। भाई एड्रेस बता दिया ना, तो फिर तो भाई क्या हाल होगा मेरा, तो सॉरी याद नहीं बता सकता है ड्यू टू सम रीजंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इनके ही तरफ से है, क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद पिक किया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये पिक किया जाए। इन्हें लिखा है, नोकिया की स्मार्टफोन्स की क्वालिटी, बिल्ड, लुक, स्पेक्स अच्छे होते हैं बट प्राइस। हाँ गाइस, ये आपने सही बोला कि बिल्ड, स्पेक्स एंड वो वैल्यू बहुत अच्छी होती है नोकिया की, बट जो प्राइस नोकिया कर देता है वो एक अच्छी नहीं करता। जैसे अभी हमें एक्सपेक्टेशन थी नोकिया 7.1 में, तो 7.1 प्लस अभी तो आया नहीं है, तो वो अगर एक्सपेक्टेशन थी बट हमें नहीं मिल पाया, तो गाइस कभी कभी हमें डिस्पॉइंट होना पड़ता है। नोकिया बहुत ज़्यादा डिस्पॉइंट करता है, बट 5.1 प्लस लॉन्च जब लॉन्च किया तो हम लोग को थोड़ा एक्सपेक्टेशन आई थी, 6.1 प्लस लॉन्च किया तो हमें अच्छा लगा, फिर हमें लगा कि 7 भी अच्छा हो सकता है, मगर इतना खास नहीं हुआ,
दैट्स वाई थोड़ा बुरा लगा, बट ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, नोकिया नोकिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने लिखा है, भाई मैंने अपना सेकेंड चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया विद 0 सब्सक्राइबर और एक दिन में 5K व्यूज़ आ गए। दिस इज़ द पावर ऑफ ओरिजिनल कंटेंट। वॉच टाइम 10,000 मिनट्स। बहुत ही सही भाई, ये बात मैंने अपने व्यूअर्स से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखो मेन इज कंटेंट है, जो कंटेंट आप फोकस करोगे उसमें ही देंगे। जैसे विपुल भाई ने अपना एक वीडियो नया चैनल खोला, उसमें 0 सब्सक्राइबर, कोई कंटेंट। देखो अब मेरे से बहुत सारे लोग मुझे प्रमोट करने के लिए बोलते हैं, भाई प्रमोट कर दो प्रमोट कर दो, तो विपुल भाई भी तुमसे बोल सकते थे ना, मगर उन्होंने खुद का चैनल लॉन्च किया, मतलब खोला एंड देन उन्होंने अपना खुद एक वीडियो डाल दिया। एंड देख सकते हैं आप, उन्होंने अच्छा कंटेंट डाला है तो उन्हें इतनी जल्दी वॉच टाइम मिल गया, इतनी जल्दी सब्सक्राइबर व्यूज़, तो ये होता है। अब आप खुद भी, आपको ऐसे ही करना है, आपको अच्छा कंटेंट बनाना है, नया चैनल खोलना है कि नहीं, पुराने में आप कम कर लोगे तो ठीक है, बट ये आपको भी करना चाहिए जैसे विपुल भाई ने किया। तो मेरे तरफ से बहुत ही ऑल द बेस्ट भाई, और ऐसे ही अपना काम करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विपुल ही भाई की तरफ से, लास्ट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा बड़ा क्यों इस बार नहीं हो पाया, बट मैंने जल्दी जल्दी इसके सबको जवाब दे दिया, वरना पहले बहुत टाइम लेता था। तो क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, ये भी मेरे को बात लेनी थी। मोनेटाइजेशन नीड्स 4,000 आवर वॉच टाइम इज वेल टू 2,40,000 मिनट्स। जस्ट अपलोड फ्यू वीडियोज एंड यू कैन गेट 52 व्यूज 100 व्यूज। वॉन्डरिंग विद इनेबल्ड। देखो यार, आपने सही बहुत ही मोटिवेट फीलिंग की वाली ये वाइब दी है कि आपको बहुत ही जल्दी आराम से 4-5 घंटे हो जाएंगे क्योंकि हम थोड़े वीडियो डालें। वैसे ये इतनी सही बात नहीं आपने बोली, क्योंकि थोड़े फ्यू वीडियो डालो और आपके इतने जल्दी 50K 100K हो जाएंगे, तो ये बात सही नहीं बोली, क्योंकि यार बहुत सारे वीडियो डालने पड़ते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, जैसे हम कर रहे हैं, बहुत सारे और यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो और बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड अभी वो अपने बहुत अचीवमेंट जा भी रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग के तो बहुत जल्दी इनेबल्ड हो भी जाएंगे चैनल। तो बट ये बात नहीं कि फ्यू वीडियोज, बट अब आपका जब आप के कंटेंट पे बहुत अच्छा दाम है तो भाई आराम से आप बहुत जल्दी कर लोगे, एंड आप कंटेंट थोड़ा वो है तो थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा। तो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाए, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। क्यों ने इतना बड़ा नहीं आज का बना, बट जितना बना उतना मैंने बना दिया, 7-8 मिनट का बना होगा, एंड आई थिंक कि Q&A अब इतना बड़ा ही नहीं किया जाए। एंड आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पूछना है तो #askcomment कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट Q&A में आप लोगों को जवाब दे दूंगा, मतलब अगले संडे को, तो पूछ लेना। और मैं बार बार आपको बोलूँगा नहीं पूछ लो, तो आप इसी बार बोलूँगा पूछना है पूछ लीजिएगा, वरना हम नहीं पूछे। तो बस दोस्तों, वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ की सजेशन बस जरूर से दे देना कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।